Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2, Growth of Nationalism. Students, अगर हम 18th century की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए हम किस time frame की बात करें. वो time frame जो 1701 से start होकर कहाँ ख़त्म होगा, 1800 पे. अब ये लोग बोल रहे हैं कि middle of 18th century का मतलब क्या हो गया, 1750s, 1760s. मतलब इस पर्टिकुलर टाइम तक जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो किसके कंट्रोल में थी, मोनार्किकल सिस्टम. मोनार्किकल सिस्टम का मतलब क्या होता है, राजशाही, मतलब राजाओं का राज था, ठीक है, जिसमें कि जो किंग होता था, जो राजा होता था, उसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होती थी, अल्टीमेट फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास ही होती थी, राजा के पास ही होती थी. किंगडम बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे जहाँ पर डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे. डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग मतलब जिनका कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है, लैंग्वेज अलग है, ऐसे सारे लोग मिलके एक बड़ी टेरिटरी में रहते थे. और उसका जो राजा हुआ करता था उसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती थी, सुप्रीम अथॉरिटी होती थी. मोस्ट केसेस में जो किंग्स होते थे वो फॉरेनर्स होते थे टू द पीपल. जो जनरल पब्लिक होती थी या जो एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप होता था, वो कई बार ऐसा होता था कि वो किंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता था और इसी वजह से किंग उसके लिए एक फॉरेन एलिमेंट होता था या फॉरेनर होता था. हु फेल्ट नो लॉयल्टी टूवर्ड्स देम. अब मैं किसी व्यक्ति को जानती ही नहीं हूँ, मैंने उसको देखा ही नहीं है, तो क्या मैं उसके टूवर्ड्स लॉयल हो सकती हूँ, नहीं हो सकती हूँ. तो ऐसे ही वहाँ के जनरल पब्लिक का हाल था कि वो राजा के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा वफादार नहीं थे. फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे उस टाइम में, फ्यूडलिज्म चलता था यूरोप में, तो फ्यूडल जो लॉर्ड्स हुआ करते थे जो एक स्मॉल एरिया को कंट्रोल करते थे किंगडम में, वो माइनर किंग्स की तरह ही होते थे अपने खुद के एरिया. जैसे देखो एक इतनी बड़ी किंगडम है, इस किंगडम में एक फ्यूडल लॉर्ड यहाँ, एक फ्यूडल लॉर्ड यहाँ, एक फ्यूडल लॉर्ड यहाँ, और यहाँ से किंग कंट्रोल कर रहा है. तो यहाँ के जो लोग हैं कि यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड को ज़्यादा जानते हैं एज़ कम्पेयर टू किंग. किंग सेंट्रल अथॉरिटी ज़रूर है पर यहाँ के जो लोग हैं इनकी लॉयल्टी किसके टूवर्ड्स ज़्यादा है, अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के टूवर्ड्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किंग. अब यहाँ पर एक फ्यूडल लॉर्ड है इस टेरिटरी का, इस स्मॉल टेरिटरी को फ्यूडल लॉर्ड देख रहा है. यहाँ के जो लोग हैं वो डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम्स किससे शेयर करते हैं, इस फ्यूडल लॉर्ड से, है ना, उनका किंग से कोई लेना देना ही नहीं है. तो ये जो लोग हैं ये किसके टूवर्ड्स वफादार हैं, अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के टूवर्ड्स. तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो अपने लॉज बनाते थे, उन्हें खुद ही इम्प्लीमेंट करते थे अपनी इच्छा से. तो जो किंगडम थी वो बहुत सारे फ्यूडल स्टेट्स में डिवाइड थी. जैसे मैंने बता दिया ना, एक बड़ा समझो ये एक राज्य है, इस राज्य में सेंट्रल अथॉरिटी राजा है, यहाँ से काम कर रहा है, पर इतने सारे क्या हैं उसमें फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, है ना. और ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे अपनी पॉलिसी खुद बनाते थे और खुद ही इम्प्लीमेंट करते थे. मतलब एक पूरा प्रोविंस छोटे छोटे फ्यूडल एस्टेट्स में, स्टेट्स नहीं, एस्टेट्स में डिवाइडेड रहता था और सबके अपने सेट ऑफ लॉज रूल्स अलग अलग थे. देवर ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ कस्टम ड्यूटी, ये एक दूसरे पर कस्टम ड्यूटी भी लगाते थे टू बी पेड विद इन द किंगडम एट वेरियस पॉइंट. अच्छा ये बेटा बहुत पुरानी बात नहीं है, पहले अगर हम इंडिया की भी बात करें, आज से 25 साल 30 साल पहले की इंडिया की बात करें, तो अगर आप एमपी में रहते हो और एमपी से आप महाराष्ट्र ट्रेड करने जाते थे या आंध्र प्रदेश ट्रेड करने जा रहे हो या केरला कर्नाटक का ट्रेड करने जा रहे हो, तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी. मतलब इंटर स्टेट ड्यूटी बोलते थे उसको, कस्टम ड्यूटी तो नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, इंटर स्टेट ड्यूटी. इंटर स्टेट ट्रेड होगा तो इंटर स्टेट ड्यूटी लगेगी. तो वैसे ही ऐसा होता था कि जो राजा का किंगडम होता था जो अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स के कंट्रोल में था, वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते थे बेटा, कस्टम ड्यूटीज लगाते थे. अलग अलग पॉइंट पे, वेरियस पॉइंट पे आपको अलग अलग कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी. दिस वॉज इकोनॉमिकली हार्मफुल, ये इकोनॉमिकली बहुत हार्मफुल था. अफेक्टेड द स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रेड, इसकी वजह से ट्रेड प्रॉपरली चल ही नहीं पाता था. क्यों, एक टेरिटरी से निकले दूसरी टेरिटरी में ट्रेड, फिर से टैक्स देना है, फिर कस्टम ड्यूटी देना है, फिर तीसरी टेरिटरी में फिर से कस्टम ड्यूटी देना है. तो इस वजह से ट्रेड बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था. जो रिच मर्चेंट क्लास थी वो चाह रही थी कि ये जितने भी ट्रेड बैरियर से इन्हें हटा लिया जाए. मतलब देखो हम हमारे एरिया में एक ही कंट्री में रह रहे हैं, हम एमपी से निकले छत्तीसगढ़ पहुँचे, छत्तीसगढ़ से निकले
उड़ीसा पहुंच गए, उड़ीसा से निकले, वेस्ट बंगाल पहुंचना है या बिहार पहुंचना है, तो बेटा क्या हमको हर जगह टैक्स देना पड़ेगा तो हम ट्रेड प्रॉपरली कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये जो यहाँ के रिच मर्चेंट थे उन्होंने बोला कि हम इस पर्टिकुलर एरिया में फ्री ट्रेड चाहते हैं, कोई टैक्स वगैरह हम देना नहीं चाहते। तो जितने भी रिच मर्चेंट्स थे उन्होंने बोला कि ये जितने भी बैरियर्स हैं इन्हें हटा लो, रिमूव कर लो, एंड वॉन्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशन स्टेट, और एक ऐसा नेशन स्टेट बन जाए जो कम से कम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करे तो उसके ऊपर टैक्स लगाए, पर आपस में एक दूसरे के ऊपर तो टैक्स ना लगाए, और यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉस चाहिए था। मतलब देखो, सेंट्रल अथॉरिटी राजा था पर किंगडम फ्यूडल लॉर्ड्स डिवाइडेड थी, हर फ्यूडल लॉर्ड अपने नियम और कानून बनाता, उसके हिसाब से चलता, मतलब लॉज एक फ्यूडल लॉर्ड के लॉ दूसरे फ्यूडल लॉर्ड से नहीं मिलते। तो जो रिच मर्चेंट्स थे वो चाह रहे थे कि अब ऐसे लॉज बनाए जाएं कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए, नेशन स्टेट हो। नेशन स्टेट्स एमर्ज्ड व्हेन होमोजेनस पॉपुलेशन लिविंग इन कॉमन टेरिटरी। अब नेशन स्टेट कब एमर्ज होगा, जब होमोजीनस एक जैसी पॉपुलेशन एक जगह में रहेगी, एक टेरिटरी में रहेगी, उसका जो हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड सेम होगा। देखो हम किसी व्यक्ति के साथ कब बाइंड कर पाते हैं, या तो जब उसके कस्टम ट्रेडिशन हमारे जैसे हों, वो हमारे रिलीजन का हो या हमारी भाषा बोलता हो, या हम दोनों का कोई कॉमन पास्ट हो, हमारा कोई कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड हो। तो नेशन स्टेट तभी बन पाएगा जब होमोजीनस पॉपुलेशन हो, कोई कॉमन एस्पिरेशन हो, फ्यूचर के लिए कोई कॉमन एक जैसा सपना हो, एक जैसा सोचते हो। तो ये लोग अपने आप को क्या कंसीडर कर सकते हैं, वन पीपल। ये जो फीलिंग थी वननेस की वॉज फायर्ड बाय न्यू स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म। अब देशभक्ति की जब भावना आएगी तो ये वननेस की फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ऑफ ओइंग लॉयल्टी नॉट टू द किंग बट टू द कंट्री। अब इनकी लॉयल्टी बेटा किंग के टूवर्ड्स नहीं है, किसके टूवर्ड्स है, कंट्री के टूवर्ड्स। मतलब हमारा फ्यूडल लॉर्ड कोई भी हो, हमारा राजा कोई भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक कंट्री का पार्ट बनना चाहते हैं, और वो कंट्री ऐसी हो जहाँ पर हम एक जैसे एथनिक ग्रुप के लोग रहें, एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग रहें, हमारी सबकी कॉमन एस्पिरेशंस हो, है ना, विच बिलोंग टू ऑल सिटीजन विद इन दैट टेरिटरी। जो न्यू ट्रेंड था पॉलिटिकल फिलॉसफी का, इसने लेके आया नेशनलिज्म को, और जैसे ही नेशनलिज्म की फीलिंग यहाँ वहाँ स्प्रेड हुई, यहाँ से बर्थ होना चालू होगा नेशन स्टेट का। फ्रांस एंड इंग्लैंड वर अमंग द फर्स्ट नेशन स्टेट। सबसे पहले जो नेशन स्टेट बने वो थे इंग्लैंड और फ्रांस, है ना। तो नेशन स्टेट बनने की प्रोसेस में दो लीडर कौन थे, इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड बन गया 1707 में और 1801 में। 1707 में इन लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन बना लिया था, और फिर यूनाइटेड किंगडम बन गया 1801 में। 1707 में क्या बन गया था, ग्रेट ब्रिटेन, और यूनाइटेड किंगडम कब बना, 1801 में। ऐसे ही फ्रांस नेशन स्टेट बन गया था 1789 में। ठीक हुई बात। अब अगर हम नेशनलिज्म की बात करें कि नेशनलिज्म क्या होता है, बच्चा वन मार्क टू मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म एक सेंस है, किसका सेंस है बच्चा, वननेस, हम सब एक हैं। और ये वननेस की फीलिंग कब आएगी, बॉर्न आउट ऑफ शेयरिंग कॉमन ज्योग्राफिकल टेरिटरी, या तो हम किसी कॉमन ज्योग्राफिकल टेरिटरी का पार्ट हो तो ये फीलिंग आएगी, हमारी कल्चर और हिस्ट्री सेम हो तब हम वननेस की फीलिंग ला सकते हैं। मतलब कोई ना कोई फैक्टर तो चाहिए बच्चा, या तो हमारी सेम ज्योग्राफिकल टेरिटरी हो, जैसे हम इंडिया में रहने वाले लोग सारे इंडियंस हैं, केरल में बाढ़ आएगी तब भी हम हेल्प करेंगे, उत्तराखंड में कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी हम हेल्प करेंगे। तो एक या तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी हो, या सेम हमारे कल्चर हो, हमारी हिस्ट्री, या हमारे एस्पिरेशन फ्यूचर के लिए हम क्या सोच रहे हैं वो सेम हो। टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ फॉरेन डोमिनेशन, और हमारे ऊपर अगर हम नेशन स्टेट बन गए हैं तो कोई फॉरेन डोमिनेशन नहीं हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, अगर हम इंडिया एक नेशन स्टेट बन गए तो ये किसी भी तरीके से हमारे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते, हमें गाइड नहीं करेंगे, हमें ऑर्डर नहीं देंगे, हमारे डिसीजंस हमारे अपने होंगे। अच्छा, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ थी जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव किंग्स थे, तो ये जो प्रोग्रेसिव किंग्स थे इन्होंने भी एनकरेज किया नेशनलिज्म की फीलिंग को और लोगों की लॉयल्टी को जीता। ये जो किंग थे इन्होंने
शेयर की डिसीजन मेकिंग पावर किसके साथ, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आएगी, है ना, कि जो राजा है वो खुद से चाहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बने, पार्लियामेंट हो। तो ये जो किंग थे इन्होंने शेयर की पावर को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, किसके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। अब हर व्यक्ति तो रूल करने आ नहीं सकता, वो इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा, तो जो राजा होगा वो पावर को शेयर करेगा किसके साथ, रिप्रेजेंटेटिव के साथ। और ऐसी गवर्नमेंट को हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि राजा तो होगा ही होगा पर राजा की पावर को लिमिट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। राजा अपना काम करेगा पर उसकी बाउंड्रीज भी कौन लिमिट कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन। और इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी बच्चा 1688 में, मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसने राजा की पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, राजा से पावर को छीन लिया था, कब ही, 1688 में। फिर 1707 में ये ग्रेट ब्रिटेन बना और 1801 में ये यूनाइटेड किंगडम बन गया था। ठीक है, बात जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो कब आई इंग्लैंड में, एज अर्ली एज इन द 1688। 18th century में बहुत सारे फिलोसफर हुए और ऐसे फिलोसफर जिन्होंने अपनी बातों से लगभग रेडिकलाइज ही कर दिया लोगों को, और वो फिलोसफर थे जॉन लॉक, वोल्टायर, रूसो, मोंटेस्क्यू, थॉमस जेफरसन एंड थॉमस पेन बिगेन टू स्प्रेड डेमोक्रेटिक आइडियाज थ्रू देयर राइटिंग। थॉमस जेफरसन, थॉमस पेन, इन लोगों ने अपनी राइटिंग्स के थ्रू डेमोक्रेटिक आइडियाज को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करना चालू कर दिया। इन्होंने लिखा इंडिविजुअल्स के बारे में, जनरल पब्लिक के लिए फ्रीडम, इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होनी चाहिए, उनके अपने राइट्स होने चाहिए, अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर उनके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा हो तो उसके अगेंस्ट में राइट चाहिए। उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में लिखा, उनके राइट्स के बारे में लिखा, एंड द राइट टू पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, कि भैया हर व्यक्ति के पास पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मतलब वोटिंग पावर होनी चाहिए, वो चाहे जिस राजा को, जिस गवर्नमेंट को, वो ही उसको गवर्न करे, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति। ये जो आइडियाज़ थे फाउंड एक्सप्रेशन इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन अमेरिका, और इन आइडियाज़ ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हेल्प की, कहाँ पर, अमेरिका में, फ्रांस में, कब, 18th century में। अब हम इन डेवलपमेंट्स को देखेंगे वन बाय वन। पहले हम देखेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन को। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन कब से कब तक हुआ बच्चा, 1775 से 1783, कब से कब तक, 1775 से 1783 तक क्या हुआ बेटा, अमेरिकन रेवोल्यूशन। बेटा अमेरिकन रेवोल्यूशन को ही हम वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस कहते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन का ही दूसरा नाम क्या है, वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। और जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ या अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, तब ही बर्थ होता है किसका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। पहले USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी कोई चीज़ नहीं थी। ये तो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, या दूसरे शब्दों में कहें तो वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुआ, फिर बनता है USA। पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में ये पहला रिवोल्यूशन था, फर्स्ट पॉलिटिकल रिवोल्यूशन था, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में ये पहला पॉलिटिकल रिवोल्यूशन था जहाँ पर लोगों ने फॉरेन रूल को ओवरथ्रो किया, उखाड़ फेंक दिया, वन द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, और सेल्फ गवर्नमेंट के राइट को जीता। समझ में आई बात। इसके पहले तो देखो दो दो तीन तीन सौ साल से कॉलोनीज बनी हुई थी, फॉरेन रूलर्स रूल कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, पर किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। मतलब अमेरिका में जो ये अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, उस अमेरिकन रेवोल्यूशन से ही फिर सब लोगों को लेसन मिला कि अगर ये फॉरेन रूलर को ओवरथ्रो कर सकते हैं तो क्या हम भी कर सकते हैं। और इसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको ट्राई भी किया, ठीक है बात। तो पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में ये फर्स्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है जिसमें लोगों ने उखाड़ फेंका, ओवरथ्रो किया, किसको, फॉरेन रूलर्स को, फॉरेन रूल को, और सेल्फ रूल अप्लाई कर दिया।
अब हम बैकग्राउंड देखेंगे बच्चा, तो जैसे ही अमेरिकास की खोज हुई कि भैया यार अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके जाओगे तो दो कॉन्टिनेंट मिलेंगे, एक होगा नॉर्थ अमेरिका, दूसरा होगा साउथ अमेरिका। तो जैसे ही इनकी खोज हो गई तो फ्रांस से, इंग्लैंड से, नेदरलैंड से, स्पेन से लोग आके कहाँ पर रहने लगे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में रहने लग गए, है ना। देखो फिर से समझो, बहुत सारे यूरोपियंस इंक्लूडिंग, अब कौन से यूरोपियंस थे, यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है, मतलब वहाँ से कौन कौन से लोग आए, फ्रेंच आए फ्रांस से, डच आए नेदरलैंड से, स्पेनियर्स आए स्पेन से, और इंग्लिश आए इंग्लैंड से। ये लोग न्यू वर्ल्ड में माइग्रेट कर गए। क्यों कर गए न्यू वर्ल्ड में माइग्रेट? क्योंकि इनको पता था कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका बहुत रिसोर्सफुल कंट्री हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके रिच बन सकते हैं। इसीलिए ये लोग अपनी अपनी कंट्रीज को छोड़ के यहाँ रहने आ गए। कहाँ पर? अमेरिकाज में। कब आए? जब अमेरिका की डिस्कवरी हो गई। 18th सेंचुरी में जो ब्रिटेन था, अकेले ब्रिटेन ने 13 कॉलोनीज बना ली थी, कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, बात 13 कॉलोनीज बना ली थी किसने? ब्रिटेन ने। कहाँ बना ली थी? नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे। अब देखो जैसे ये है, ये है नॉर्थ अमेरिका, तो ये इसका ईस्ट है, ये इसका वेस्ट है, ये इसका नॉर्थ है और साउथ है। ईस्टर्न कोस्ट पे 13 कॉलोनीज अकेले किसने बना ली थी? ब्रिटेन ने। आगे बात समझ में? चलो अब क्या होता था, ये जो सेटलर्स थे, जो कॉलोनिस्ट थे, जो दूसरी कंट्री से आके अमेरिकाज में रहने लग गए थे, इनके जितने भी लोकल मैटर्स होते थे ये इनका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सॉल्व कर देता था। कई बार ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था ये लोकल टैक्सेस भी लिवाई कर देता था लोगों पे। चलो लोकल मैटर्स तो ये अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से सॉल्व करा लेते थे, पर ये लोग दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड के मैटर में कुछ नहीं बोल सकते थे। किसके साथ, किस कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे ये ब्रिटेन डिसाइड करता था। कब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, होगा नहीं होगा, ये भी ब्रिटेन डिसाइड करता था। एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाने का काम ब्रिटेन का था। और इवन अगर ये वेस्टवर्ड एक्सपांशन करना चाहें, जैसे ये कॉलोनीज है 13 कॉलोनीज, अगर ये वेस्टवर्ड एक्सपांशन करना चाहें तो भी इनको किसकी परमिशन लेनी पड़ती थी? ब्रिटेन की। ये खुद तो कुछ बोलते नहीं थे, कौन काम करेगा? ब्रिटेन करेगा। लोकल मैटर्स खुद सॉल्व कर लो, पर जहाँ इंटरनेशनल ट्रेड की बात आएगी, जहाँ पर आपको क्या करना होगा, वेस्टवर्ड एक्सपांशन करना होगा, कोई नए टैक्सेस लगाने होंगे, इन सब के लिए आपको स्ट्रिक्टली किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी बेटा? ब्रिटेन की। या परमिशन ही लेनी पड़ेगी, ये सब मैटर्स तो स्ट्रिक्टली कौन ही देख रहा था? ब्रिटेन ही देखता था। ठीक है, बात यहाँ देखो लिखा भी हुआ है, एक मिनट पढ़ लेते हैं एक बार। हाउएवर डिनाइड एनी से इन मैटर्स कंसर्निंग ट्रेड, ट्रेड में नहीं बोल सकते हो अगर आप किसी दूसरी कंट्री, यूरोपियन कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहते हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रिटेन करेगा, वेस्टवर्ड एक्सपांशन भी ब्रिटेन देखेगा, और एक्स्ट्रा टैक्सेस भी सिर्फ और सिर्फ कौन देखेगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन कंट्रोल दीज मैटर स्ट्रिक्टली, ब्रिटेन इन मैटर्स को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता था। अब हम देखेंगे इंक्रीज इन टैक्सेस इन कॉलोनीज। अब कॉलोनीज में जो इंग्लैंड होगा वो टैक्सेस बढ़ाएगा, मतलब ब्रिटेन टैक्सेस बढ़ा देगा। चलो यूरोप में 7 ईयर वॉर्स हुए, किसके बीच में हो रहे थे बच्चा? ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस। 7 ईयर वॉर किस किस के बीच में हो रहे थे? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हो रहे थे। कब से कब तक? 1756 से 1763, लगा लो कितने साल हो गए? 7, है ना, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस अपोजिट साइड में थे, मतलब आपस में लड़ रहे थे। और ये 7 ईयर वॉर ख़त्म होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस पे। कब होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस? 1763 में। और इस ट्रीटी के थ्रू फ्रांस को फोर्स किया जाता है कि वो विड्रॉ करेगा नॉर्थ अमेरिका से और इंडिया से, दोनों ही जगह से, है ना। फ्रांस इंडिया में भी नहीं रहेगा, फ्रांस नॉर्थ अमेरिका में भी नहीं रहेगा, उसको दोनों ही जगह से विड्रॉ करना पड़ेगा। किस ट्रीटी के थ्रू हुआ ऐसा? ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। 1763 में कौन सी ट्रीटी साइन हुई? ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके थ्रू ब्रिटेन ने उसको फोर्स किया कि भाई ना तो अब तुम नॉर्थ अमेरिका में ही रहोगे और ना ही तो इंडिया में रहोगे। और ब्रिटेन को हैवी लॉसेस हुए बच्चा इस वॉर में। ब्रिटेन जीत तो गया, देखो ब्रिटेन विनर साइड में रहा, पर जब भी हम कोई वॉर करते हैं बच्चा तो उसमें फाइनेंशियल लॉसेस बहुत होते हैं। तो ब्रिटेन जीतने के बाद भी अपने वॉर एक्सपेंसेस को कवर करना चाहता था, जो उसको लड़ते टाइम हुए, खर्चा जो हुआ उसका हुआ। तो इसलिए उसने नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज के ऊपर क्या बढ़ा दिए? टैक्सेस
बढ़ा दी। 1765 में ब्रिटेन ने पास किया स्टैम्प एक्ट, जिसने ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया सारे लीगल और कमर्शियल ट्रांजैक्शन पे। जो भी काम प्रिंटिंग के थ्रू होता, मतलब प्रिंट वाला जो भी काम होता, प्रिंटिंग पेपर का अगर आप किसी में भी यूज़ कर रहे होते, इवन कार्ड्स, जो कार्ड खेलते हैं ना अपन लोग, ताश पत्ते क्या बोलते हो आप लोग, जिसमें इस तरीके के जो नहीं होते ताश, ताश के ऊपर भी जितने भी प्रिंटेड मटेरियल था सबके ऊपर स्टैम्प एक्ट के थ्रू ड्यूटीज़ लगा दी। जो कॉलोनीज थे डिमांडेड द रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब जो कॉलोनीज थे वो कह रहे थे कि अगर हमारे रूल्स रेगुलेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनने जा रहे हैं तो हमें भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जगह दो, हमें भी वहाँ प्लेस दो, सो दैट वी कैन ऑल्सो हैव सम से, हम भी कुछ कह सकें, हमारी भी कुछ मतलब से हो वहाँ पर, तो हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में आप जगह दे दो, सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट आवर कंट्री। ठीक है, बिफोर एनी टैक्स कुड बी इम्पोज ऑन दैम, हमारे ऊपर कोई नया टैक्स लगाओ इसके पहले ही आप हमें ब्रिटेन पार्लियामेंट में जगह दे दो तो हम वहाँ पर अपना पक्ष रख पाएंगे, टैक्स लगाया जाए नहीं लगाया जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दे क्वाइन द स्लोगन, और इसी टाइम में इन लोगों ने एक स्लोगन बनाया कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, हम लोग कोई टैक्स नहीं पे करेंगे आपको जब तक आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। देखो, आप हमारी बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठ के सुनोगे या नहीं सुनोगे ये डिफरेंट मैटर है, पर कम से कम हम वहाँ पर बैठ के अपनी बातें तो आपके सामने रखें कि हम लोग क्या फील करते हैं, हम लोग किस प्रॉब्लम में। तो इसीलिए ये चाहते थे कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन हो, और इसलिए इन्होंने स्लोगन दिया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। वॉयलेंट अपराइजिंग हुई बाय द कॉलोनिस्ट, जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने वॉयलेंट अपराइजिंग की और ब्रिटेन को फोर्स किया कि भैया आप स्टैम्प एक्ट को विड्रॉ कर लो, और ऐसा हुआ भी। 1767 में जो ब्रिटेन था उसने न्यू टैक्सेस लगा दिए कंज्यूमर गुड्स पे, जैसे टी पे, पेपर पे, ग्लास पे, पेंट पे, विच वर इम्पोर्टेड इनटू कॉलोनीज। कॉलोनीज में जो गुड इम्पोर्ट किया जाता था क्या क्या, टी, पेपर, ग्लास, पेंट, इसके ऊपर टैक्स लगा दिए। जो कॉलोनीज थे वो फिर रिबेलियन में खड़े हो गए एक बार फिर से कि भैया ये टैक्सेस को विड्रॉ करो एक्सेप्ट द वन ऑन टी। और जब कॉलोनिस्ट दोबारा रिबेलियन करने लगे, दोबारा लड़ने के लिए खड़े हो गए, विद्रोह करने लगे, तो इंग्लैंड ने सारे टैक्सेस विद्रॉ कर लिया, सिर्फ एक नहीं किया, वो कौन सा था, चाय के ऊपर, कि चाय के ऊपर तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, बात 1767 में ब्रिटेन ने नए टैक्सेस ले आए, किस किस के ऊपर, टी, पेपर, ग्लास और पेंट के ऊपर, है ना, जो भी कुछ आइटम कॉलोनीज इम्पोर्ट करती थी उन सब के ऊपर टैक्सेस लगाने लग गए। फिर सारे अमेरिकन खड़े हो गए रिबेलियन में, अपोज करने लगे, तो टैक्सेस विड्रॉ कर लिए गए, सिर्फ एक ही टैक्स नहीं विड्रॉ किया, वो था टी के ऊपर। 1773 जो कॉलोनिस्ट थे, 1773 में जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने मना कर दिया कि हमें टी को अनलोड ही नहीं करना, ब्रिटिश शिप में जो चाय आ रही है भर भर के, क्योंकि अभी भी टी के ऊपर टैक्स लग ही रहा है, तो उन्होंने बोला हमें चाय चाहिए ही नहीं, ब्रिटिश शिप से जो भी चाय आएगी हम उसको अनलोड ही नहीं करेंगे। कहाँ पर हो रहा है ये, बोस्टन के पोर्ट पर हो रहा है, है ना, जो नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में आपको बोस्टन पोर्ट मिलेगा, वहाँ पर ये हो रहा है। जब गवर्नर ने ऑर्डर किया कि ऑर्डर थ्री शिप्स टू बी अनलोडेड, किए तीनों शिप अनलोड हो जानी चाहिए, तो एक ग्रुप था कॉलोनिस्ट का, मतलब कॉलोनिस्ट मतलब जो लोग वहाँ के सेटलर्स थे, कहाँ के, 13 कॉलोनीज के, उन्होंने डिसगाइज किया एज अमेरिकन इंडियंस, क्या बन गए वो, अमेरिकन इंडियंस बन गए, शिप के ऊपर गए, सारे क्रेट्स को उन्होंने पानी में सी में फेंक दिया। मेरी बात समझ में आ रही, पहले हम लोगों ने क्या बोला, सपोज करो मैं अंग्रेज हूँ जो ब्रिटेन से यूएसए में रहने चली गई थी, मैं वहीं रह रही थी, और अब अंग्रेजी नियम कानून मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, टैक्सेस हटाए पर चाय पे टैक्स नहीं हटाया। जो बोस्टन में क्या हुआ, बोस्टन के पोर्ट पे एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बोला चलो इस शिप को अनलोड करो, तो हमने बोला हम अनलोड नहीं करेंगे, हमें चाहिए ही नहीं वो चाय जो ब्रिटेन से आ रही है, तो उसने स्ट्रिक्टली बोला नहीं आपको अनलोड तो करना ही चाहिए। तो जितने भी जो ब्रिटिश पीपल थे जो अमेरिका में रह रहे थे, उन लोगों ने अपने आप को डिसगाइज किया, मतलब डिसगाइज करना पागल बनाना, इस तरीके का भेष बनाया कि वो अमेरिकन इंडियंस दिखे, वो शिप के ऊपर चढ़ गए, और शिप के ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने सारे चाय के जो क्रेट्स थे, बड़े बड़े बॉक्सेस थे, वो पानी में उठा के फेंक दिए। इसी इंसिडेंट को हम बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी। क्या बोलते हैं बच्चा, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी तो सुन के ऐसा लगता है कि अरे यार वहाँ चाय की कोई पार्टी वार्टी हुआ करती थी, पर चाय तो बनी ही नहीं वहाँ, चाय तो पानी में गिर गई,
है ना, चाय तो बनी ही नहीं, और इसी से स्पार्क्ड ऑफ हुई, चिंगारी लग गई अमेरिकन रिवॉल्यूशन की। नाउ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1774 में जो रिप्रेजेंटेटिव थे कॉलोनिस्ट के, वो लोग मिले किससे, किंग ऑफ इंग्लैंड से, ठीक है, और उन्होंने अपील की कि आप हमारी परेशानियाँ, हमारी जो ग्रीवियांसेज हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करें, उसको समझे जाने और सॉल्व करें। हाउएवर इन अप्रैल 1775 पर देखो जो किंग थे उन्होंने इनकी इस बात को, इनकी अपील ना समझ के ऐसे समझा कि ये लोग भाई फिर से रिबेलियस बातें कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने किसी भी प्रॉब्लम का पीसफुल सोल्यूशन नहीं निकाला। फाइटिंग स्टार्ट हो गई बिटवीन ब्रिटिश ट्रूप्स एंड द कॉलोनिस्ट, ब्रिटिश ट्रूप और कॉलोनिस्ट के बीच में, तो फाइनली लड़ने लग गए कौन कौन बेटा, ब्रिटिश ट्रूप्स और कॉलोनिस्ट। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज अपॉइंटेड द कमांडर ऑफ अमेरिकन फोर्सेज, अमेरिकन की साइड से मतलब कॉलोनिस्ट की साइड से जॉर्ज वॉशिंगटन क्या बने बच्चे, कमांडर ऑफ फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस, ठीक हुई बात। चलो अगस्त 1775 को जो ब्रिटेन था डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ रिबेलियन इन अमेरिका, तो जैसे ही आप डिक्लेयर कर दिया ब्रिटेन ने कि भैया यहाँ तो रिबेलियन हो रहे हैं अमेरिका में, 4 जुलाई 1776 को जो कांग्रेस की मीटिंग थी वो हुई कहाँ पर, फिलाडेल्फिया में। 1776 में कांग्रेस मिली कहाँ पर मिली, फिलाडेल्फिया में। जो सेटलर्स थे 13 कॉलोनीज के, उन्होंने अडॉप्ट किया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको लिखा था थॉमस जेफरसन ने, ठीक है बात। अमेरिकन फोर्सेस के कमांडर कौन बने, जॉर्ज वॉशिंगटन, ये बात याद रखना। फिर ये वाली डेट याद रखना, 4 जुलाई 1776 को कांग्रेस कहाँ मिली, फिलाडेल्फिया में मिली, जहाँ पर क्या, जो 13 कॉलोनीज थी उन्होंने अडॉप्ट किया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो लिखा किसने था, थॉमस जेफरसन ने। कैसे स्टार्ट होता है, दैट ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, जितने भी आदमी हैं वो जब भी जन्म लेते हैं तो हम एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चा, इक्वल। जब देखो दो आँख एक नाक दो हाथ दो पैर भगवान ने सबको दिया, हम सभी ऐसे पैदा होते हैं, बस कलर का थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। तो जब हम बॉर्न इक्वल होते हैं तो हमें बाद में जाके डिस्क्रिमिनेशन क्यों फेस करना पड़ता है, और हम जितने भी लोग बॉर्न हुए हैं उनसे हम राइट टू लाइफ छीन नहीं सकते, उन्हें लिबर्टी का राइट है, वो उन्हें मिलना ही चाहिए, परसुएट ऑफ हैप्पीनेस, खुश रहने का अधिकार है, अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाने का राइट है, वो लिबरल तरीके से रह सकते हैं, फ्रीडम का राइट है, राइट टू लाइफ है, ये उनसे हम डिनाई नहीं कर सकते, उनको हमको देना ही पड़ेगा। इस तरीके से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होता है। इट इज़ ऑल्सो एसर्टेड पीपल्स राइट टू फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट, और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इस बात को भी कहता है कि लोगों के पास राइट है कि वो अपनी सरकार खुद बनाए। 1778 में क्या हुआ बच्चा, फ्रांस ने भी ज्वाइन किया कॉलोनिस्ट को इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। देखो ब्रिटेन और फ्रांस तो पूरी दुनिया में हमेशा दुश्मन रहे हैं, बस भगवान इनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वर्ल्ड वॉर वन में भी ये साथ में लड़े और वर्ल्ड वॉर टू में भी ये साथ में लड़े और दोनों ही जीते भी, है ना। पर वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू को छोड़ दिया जाए तो हमेशा ये आमने सामने खड़े होते, फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन या ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस। तो वो होते ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ऐसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही वाली कहानी आती कि कॉलोनिस्ट का दुश्मन भी ब्रिटेन था, है ना, और फ्रांस का दुश्मन भी ब्रिटेन था, तो फ्रांस ने सपोर्ट किया किसको, कॉलोनिस्ट को सपोर्ट किया, किसके स्ट्रगल में, उनके स्ट्रगल में जो वो किसके कर रहे थे, ब्रिटेन के लिए कर रहे थे। लेटर स्पेन एंड नीदरलैंड्स फॉलोड, और बाद में जैसे पहले कॉलोनिस्ट और ब्रिटेन लड़ रहे थे तो पहले इनको किसने सपोर्ट किया, फ्रांस ने, फिर स्पेन भी आ गया, फिर नीदरलैंड्स भी आ गया, दस वॉर बिकेम इंटरनेशनल, और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या बन गई बच्चा, इंटरनेशनल, क्योंकि पहले तो सिर्फ कॉलोनिस्ट और ब्रिटेन लड़ रहे थे, बाद में कॉलोनिस्ट को सपोर्ट किया फ्रांस ने, फिर स्पेन ने, फिर डच ने, मतलब नीदरलैंड्स ने, तो इस तरीके से वॉर इंटरनेशनल हो गया। 1781 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने सरेंडर किया, 1783 में ब्रिटेन ने साइन किया 3 सेपरेट ट्रीटीज कॉलोनिस्ट के साथ, फ्रांस के साथ, स्पेन के साथ। पहली ट्रीटी कॉलोनिस्ट के साथ साइन की, दूसरी फ्रांस के साथ, और तीसरी स्पेन के साथ। फिर से ध्यान रखना, 1783 में ब्रिटेन ने 3 सेपरेट ट्रीटीज साइन की कॉलोनिस्ट के साथ, फ्रांस के साथ, स्पेन के साथ। बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस, जैसे ही ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है ब्रिटेन रिकॉग्नाइज करता है इंडिपेंडेंस ऑफ 13 रिबेलियस कॉलोनीज़, कि ये जो 13 रिबेलियस कॉलोनीज़ हैं ये अब इंडिपेंडेंट हो गई हैं, विच
लेटर फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और बाद में ये क्या बनाती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1789 में जो नेशनल गवर्नमेंट होती है यूएसए की, वो अडॉप्ट करती है रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, और रिपब्लिकन का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जहाँ पर जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। जिस भी कंट्री में जो कंट्री का हेड होता है अगर वो इलेक्टेड है तो उस कंट्री को क्या कहते हैं, रिपब्लिक। जैसे हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, यूएसए में प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, तो हम दोनों ही कंट्री रिपब्लिकन कंट्री हैं, पर वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। टू विच द बिल ऑफ राइट्स वॉज एडेड, और 1789 में जो नेशनल गवर्नमेंट थी यूएसए की उसने रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जिसमें बिल ऑफ राइट्स भी था, बिल ऑफ राइट्स को भी ऐड किया गया। इट अश्योर्ड द सिटीजन ऑफ द यूएसए जस्टिस अंडर द लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली, रिलीजन मिली, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी मिल गई। सो स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। ओनली फॉर एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कमेंट सेक्शन। विल स्टार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन विद पार्ट